अटल बिहारी सरकार में मंत्री रहे संगप्रिय गौतम जी हमारे साथ हैं। हम जानेंगे जो अभी जो नतीजे आए हैं विधानसभा चुनाव के, उसके बाद इनका क्या कहना है। ये जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हूँ और मेरा इस पार्टी के बढ़ाने और चलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और खास तौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनके परिणामों को सुनकर के जानकर के मुझे बड़ा दुख हुआ है। इनमें हमारी शर्मनाक हार हुई है, लेकिन इनकी सबकी बागडोर श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह के हाथ में थी। इसी नैतिकता के आधार पर उनको अपनी जिम्मेदारी उठनी चाहिए सहार की जो है, और इसके अलावा उन्हें संगठनों सरकार में भी कुछ फेरबदल करना चाहिए। इसके अलावा जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस से लड़ाई लड़ी थी और कांग्रेस को हटाया था, काला धन, महंगाई और भ्रष्टाचार, उन मुद्दों पर फिर वापस आ जाना चाहिए। लेकिन उन मुद्दों को छोड़ करके और हम चले गए धर्म, जाति और संप्रदाय, मंदिर, मस्जिद, गऊकसी, इन मामलों में जो है हम चले गए और इससे लोगों पर बुरा असर जो है पड़ा। असली मुद्दे थे किसानों के, गन्ने का मूल्य का उन्हें भुगतान होना चाहिए था, उनकी लागत के दाम कम होने चाहिए थे, बजाय इसके बीज और खाद के दाम जो है बढ़ गए। किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। सारे देश के किसान जो है वो आंदोलन करने लगे। बाबूजी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह से क्या तब्दीलियां की जाएं, कैसे 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 सुधार हो। हाँ, तो वो भी तो बता रहे हैं। तो तब्दीलियां ये है कि अपना एजेंडा बदल दिया, और ये एजेंडा खास तौर से बदला जो है आदित्यनाथ योगी ने, उन्होंने ही ये सब इस प्रकार के जो है भाषण दिए। इसलिए तब्दीली फिलहाल ये करनी चाहिए कि श्री नितिन गडकरी, जिनकी छवि पार्टी में बहुत अच्छी है, उन्हें उप और प्रधानमंत्री बना देना चाहिए नितिन गडकरी को, और श्री आदित्यनाथ योगी को चीफ मिनिस्टर पद से हटा करके उन्हें धर्म के काम में जुटा देना चाहिए, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को बना देना चाहिए। इसके अलावा अमित शाह जो है वो अपने राज्यसभा में अपने जादू को दिखावे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद श्री शिवराज सिंह चौहान को सौंप देना चाहिए। जैसा कि संगप्रिय गौतम जी ने बताया कि तब्दीलियां होनी चाहिए, तभी आगे कमबैक बीजेपी कर सकती है। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी, बुलंदशहर।